कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण से सर्वनाम को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? संज्ञा। संज्ञा क्या, परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे किसी का नाम बताया तो वो क्या हो गई? संज्ञा हो गई। किसी जगह का है, किसी वस्तु का है, किसी व्यक्ति का है। अब उसके स्थान पर हमने जो शब्द प्रयोग किए तो वो क्या हो गए? हमारे सर्वनाम हो गए। देखिए, जैसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, अगर मैंने अपना नाम बताया तो संज्ञा, पर उसकी जगह मैंने बोला मैं, यह काम मैं खुद करूंगी, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम। हम सब मिलकर पढ़ते हैं तो हम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तुम, वे, आप, कौन, ये सब क्या होते हैं? हमारे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और होता है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, अन्य मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए, प्रथम में क्या होता है? जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया? मैं अगर बात कर रही हूँ तो हो गया प्रथम। अब मध्यम क्या हो गया? तुम। मैं किसी को बता रही हूँ, जो सुनने वाला है, बोलने वाला होता है प्रथम, सुनने वाला क्या होता है? मध्यम। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कौन हो जाता है? अन्य पुरुष में आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो वो हो जाती है अन्य पुरुष। जैसे मैं आज स्कूल जाऊंगा, तो ये क्या हो गया? हमारा वाक्य बन गया। तुम आज स्कूल जाओगे, तो यह भी क्या हो गया? वाक्य बन गया। वह सब मिलकर क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वाक्य बन गया। तो ये क्या हो गया? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जिस चीज में किसी कार्य का, किसी होने का निश्चय हो जाता है। जिस सर्वनाम शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु का निश्चित ज्ञान होता है कि हमें यह पता चल जाता है कि यह चीज है। देखिए, अब कैसे? यह, वह, वे, इस, अब इसमें क्या आ जाएगा? यह पुस्तक राम की है, तो यह इसमें पता चल गया कि यह पुस्तक राम की है। यह तो बताया नहीं कि यह पुस्तक उसकी है, नहीं, यह पुस्तक राम की है, तो हमें क्या हो गया? निश्चय हो गया कि यह पुस्तक राम की है। अब इसके बाद में आ जाता है वह मेरा भाई है, तो यह इसमें पता चल, अगर वह बोलता वह भाई है तो इसमें क्या हो जाता? अनिश्चयवाचक आ जाता, किसी का पता नहीं चलता, पर वह बोल रहा है वह मेरा भाई है, तो इसमें पता चल गया कि वह किसके बारे में बता रहा है? वह मेरा भाई है। इससे पता चल गया कि वह उसका क्या है? भाई है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा निश्चयवाचक, जिस चीज में हमें किसी चीज का ज्ञान हो जाता है। अब आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? इससे नाम से ही हमको पता चल रहा है कि किसी चीज का निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है हमें इसमें। जैसे कोई, किसी, कुछ आता है इसमें। जैसे वहां कोई खड़ा है, अब हमको पता नहीं है कि वहां कौन खड़ा है, या फिर हम मानते हैं दरवाजे पर कोई है। अब हम वहां से बता रहे हैं कि दरवाजे पर कोई है, पर हमको ये नहीं पता है कि कौन है, हमें किसी चीज का निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है इस चीज में। तो इन शब्दों में, इसके में हम क्या क्या शब्द? कोई, किसी, वहां पर, मतलब कुछ चीज ला, अब इसमें बताया नहीं है कि आप क्या चीज, वहां कुछ आम लिया या फिर कुछ फल लेके आ, तो उसने बताया नहीं कि कुछ मतलब कुछ भी चीज, पर निश्चित क्या हुआ? हमें
बोध नहीं हुआ किसी चीज का, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद में आता संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? किसी कार्य का दूसरे कार्य से संबंध होना, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी कार्य का दूसरे कार्य से संबंध होना। अब जैसे क्या आता है, जू और सो। अब इसमें आता है, देखिए संबंधवाचक में जो करेगा सो भरेगा। अब इसमें क्या आएगा, एक कार्य कर रहा है कि जो करोगे वैसा ही क्या करोगे, भरोगे। अगर आप पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो एक कार्य का दूसरे कार्य से क्या होता है, संबंध होना। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा मिलेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो एक कार्य का दूसरे कार्य से संबंध होना। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये शब्द क्या हो जाते हैं हमारे, एक कार्य का दूसरे कार्य से संबंध बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद में आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपने देखा है प्रश्नवाचक क्या होता है, किसी चीज के बारे में प्रश्न कर रहे हैं आप, तो वो क्या हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब तक कौन, क्या, किसका, किसे। अब इसमें क्या आता है कि वह कौन है। अब आपने प्रश्न किया, वह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब आपका प्रश्न बन गया कि वह कौन है। अब इसमें आएगा आपका, यह पेन किसका है। तो यह भी आपने प्रश्न किया किसी से कि यह पेन किसका है। इसके बाद में आता है क्या, वह क्या है। तो यह भी आपने प्रश्न कर दिया कि वह क्या है। तो ये शब्द कौन, क्या, किसका और किसे, जो शब्द जहां पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या हो जाता है हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद में आता है निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए आपने इसमें शब्द में ही पता चल रहा है कि क्या है, निज, निज मतलब स्वयं के लिए, खुद के लिए। अब आप बताइए कि अपने आप स्वयं के लिए या आप शब्द अपने लिए कैसे प्रयोग करेंगे। आप तो हम दूसरे के लिए बोलते हैं, तो आप शब्द स्वयं के लिए कैसे प्रयोग किया, हमने निजवाचक सर्वनाम कैसे बनाया। तो आप शब्द हमने बनाया है, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। देखिए अब यहां पर यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप में, आप शब्द आपने किसके लिए लगाया, स्वयं खुद के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा, निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें आता है स्वयं, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, या पढ़ाई में खुद स्वयं कर लूंगा, या यह कार्य में खुद से कर लूंगा। तो ये खुद, स्वयं और अपने आप, ये क्या हो जाते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम है जो हम स्वयं के लिए लगाते हैं। तो इस तरीके से आपने सर्वनाम के टाइप प्रकार पढ़े कि 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम कहाँ लगाते हैं, वाक्य में किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, यह भी आपने आज देखा है। अपनी पाठ्य पुस्तक में आप अपने सर्वनाम को, पाठ को पढ़िए और उसको समझिए। थैंक यू।